नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या अभी भी हम लोगों को सिल्वर जो है वो बाई करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे जो नए व्यूवर्स हम लोगों के साथ में जुड़े हैं उनके बहुत सारे सवाल है कि क्या हम लोगों को सिल्वर बाई करना चाहिए या नहीं, या फिर करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए। तो इन सारी चीजों पर जो है आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हो या फिर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसी गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी नई नई जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं गोल्ड बाई करने की या सिल्वर बाई करने की, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड और सिल्वर जो है सबसे बेस्ट जो है ऑप्शंस होते हैं। जब सारी दुनिया जो है आर्थिक मंदी में होती है, या फिर सारी दुनिया में जो है संकट होता है, जब सारी दुनिया में जो है चीजों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहे होते हैं, उसी समय पे गोल्ड और सिल्वर जो होता है उसके प्राइजेस जो होते हैं दुगने या तिगने गुना जो है बढ़ना शुरू होते हैं। इसके लिए जो गोल्ड और सिल्वर है वो हम लोगों को जो है इन्फ्लेशन से बचाता है। तो सिल्वर की अगर हम लोग बात करें तो सिल्वर की आज की सबसे ज्यादा अगर हम लोगों को यूज दिखाई देता है तो वो दिखाई देता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रिकल्स जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो है सिल्वर का बहुतायत मात्रा में जो है यूज किया जाता है। लेकिन अभी जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोगों को दिख रहा है या फिर टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज देखने के लिए मिलती है कि सिल्वर की डिमांड जो है आगे चल के और बढ़ेगी। हालांकि बहुत सारे जो अभी जो रिजर्व है, जो सिल्वर की रिजर्व है, जैसे हांगकांग में है या फिर एलबीए में यानी कि लंदन में है, वो अभी भी उनके वॉलेट जो है जितनी रिक्वायरमेंट है उतने भरे हुए नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, जो दुनिया का अभी हम लोगों को सिनारियो देखने के लिए मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि ये जो घटना होगी, जो आने वाले 2-3 सालों में जो भी घटनाएं घटित होगी, ये घटनाएं जो है यादगार होगी और इसके ऊपर जो है हिस्ट्री लिखी जाएगी, ये आप मान के चलिए। क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी जो है आर्थिक मंदी आने की जो है संभावना जो विशेषज्ञ लोग हैं वो जता रहे हैं। उसके बाद में जो है आर्थिक मंदी के साथ साथ में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ने ही वाला है, आज नहीं तो कल। हाँ, ये हो रहा है कि मूवमेंट अभी जो है शिफ्ट हो रहा है। जहां पहले जो है अमेरिका जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे था, अब जो है चाइना हम लोगों को आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर इंडिया आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए लॉन्ग टर्म में जो है सिल्वर की जो प्राइजेस है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जैसा कि मेरे जो गुरु है, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने फाइनेंस के ऊपर और जो सिल्वर के ऊपर या गोल्ड के ऊपर बहुत सी किताबें लिखकर रखी हुई है, जैसे रिच डैड पुअर डैड। उनका तो यहाँ तक की मानना है कि आने वाले कुछ ही समय में सिल्वर के जो प्राइजेस है वो 10 गुना बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को सिल्वर बाई करना चाहिए। अब सिल्वर ऐसी चीज है कि आप लोग जो है कम से कम अमाउंट में भी अफोर्ड कर सकते हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए में भी आप सिल्वर को जो है अफोर्ड कर सकते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहो तो आपके लिए कौन से ऑप्शंस जो है वो बेस्ट होते हैं? तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग सिल्वर के बार या कॉइन्स खरीदते हैं और हम लोग छोटी मात्रा में खरीदते हैं, तो आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता होगा कि अगर सिल्वर के प्राइसेस 80,000 रुपीज है तो आप लोगों को एक जो 10 ग्राम का कॉइन है वो 850 रुपए में पड़ता है। तो फिर इसके लिए आप लोगों को एक चीज करनी चाहिए कि आजकल जो है बहुत सारे ज्वेलर जो है अपनी जो सिल्वर की ज्वेलरी है उसके ऊपर भी हॉलमार्क करा के जो है बेच रहे हैं। जैसे सिल्वर की जो पायल होती है उसपे जो है 85% का जो है प्योरिटी का हॉलमार्क होता है, उसके बाद में उसके ऊपर 5 रुपीज पर ग्राम जो है मेकिंग होती है। जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन आप जो है ज्वेलरी के फॉर्म में भी जो है सिल्वर को जो है अपने पास में रख सकते हो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से, मुझे ये लगता है कि अगर आप लोग जो है 5 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम जितना आपका मंथली जो है एक बजट आप लोगों को बना लेना चाहिए कि मुझे हर महीने जो है इतना सिल्वर तो अपने पास में बाई करके रखना ही है, चाहे सिल्वर के प्राइसेस बढ़े या घटे। लॉन्ग टाइम के लिए 20 साल के लिए मैं जो है ये कंटिन्यू करता रहूंगा। तो दोस्तों, जितना भी आप लोग इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आज की डेट में देख रहे हैं उससे जो है सिल्वर आप लोगों को बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके लिए आप लोगों को जो है सिल्वर में सेविंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में थोड़ा सा पता चले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।